बच्चों, आज के स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज के स्टोरी टाइम में मैं आपके लिए कहानी एक लेकर आई हूँ जिसका नाम है चटपट चटनी। तो सुनना चाहेंगे आप? चलो सुनाती हूँ। एक लड़का था, बस आपकी ही उम्र का था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन बड़ा चंचल था। अब चंचल का क्या मतलब? कभी इधर कभी उधर, कभी वो काम कभी ये काम, कभी क्या करता, अपनी पलंग पर बैठ जाता और अपने सारे खिलौने निकाल लेता, निकाल के खेलता, इधर रखता उधर रखता और फिर उसको फिर से डब्बे में डाल देता। फिर थोड़ी देर बाद उसकी इच्छा होती कि मैं चित्रकारी करूं, तो वो अपनी पेंसिल ड्राइंग सब कुछ लेके आ जाता, कलर्स लेके आ जाता और पेंटिंग करता ड्राइंग करता। अब फिर उसका मन भर जाता, फिर वो सब साइड में रख देता और फिर जाके पौधों के पास चला जाता। वहाँ पौधों को देखता, पानी देता, फ्लावर्स को देखता। फिर थोड़ी देर बाद खिड़की की तरफ चला जाता, वहाँ पर एक चिड़िया आती तो चिड़िया से बातें करता, कौआ आता तो कौआ से बातें करता। तो सारा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहता। अब उसकी मम्मी कहती, अरे चिंटू बेटा थोड़ा चैन से बैठ जाया कर कभी। हाँ मम्मी हाँ। तो इस तरह से सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते, जैसे आप करते रहते हैं। एक दिन की बात है, मम्मी बना रही थी आम की चटनी और चिंटू को ये बात पता चल गई थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जाता, अंदर देखता, मम्मी ने अब इसको बनाना शुरू कर दिया है, अच्छी महक आ रही है। थोड़ी देर में रसोई से आवाज आनी बंद हो गई। यानी कि चटनी तैयार है। अब वो इंतजार करने लगा कब मम्मी रसोई से निकलेगी और जाके अपने कमरे में सो जाएगी। धीरे धीरे जब समय हो गया, उसने देखा चारों ओर शांति है। वो दबे पांव रसोई में चला गया और वहां जाकर चटनी को खोजने लगा। मम्मी ने चटनी कहाँ रख दी? फिर उसने नजर घुमाई, ओ ये तो ऊपर वाले शेल्फ में है, मैं तो छोटा सा हूँ, क्या करूँ? फिर उसने क्या किया, धीरे से एक ऊंची सी चौकी ली, वहाँ रख दी और उसके ऊपर चढ़ा। फिर रसोई के रॉन्स के ऊपर चढ़ा। फिर धीरे से उसने वो पतीली लेकर ऐसे रखी। इतनी सारी आम की चटनी, आज तो मजा आने वाला है। अच्छा आप कैसे खाऊं? उसने क्या किया, एक चम्मच लिया और चम्मच को ऐसे डाला चटनी में। मम्मी ने तो बहुत स्वादिष्ट चटनी बनाई है। और उसके बाद खाते खाते जब उसका पेट भर गया, एक चम्मच काफ़ी था, वो छोटा सा बच्चा था, उसने वो चम्मच भी वहीं रख दिया, पतीला वहीं रख दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गया और खेलने लगा। थोड़ी देर बाद जब मम्मी उठी तो रसोई की तरफ गई, वहाँ देखा, अरे ये क्या हो रखा है? चिंटू को बुलाती हूँ। अब वो चिंटू के पास धीरे धीरे गई। चिंटू बेटा। हाँ माँ। हाँ तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? माँ मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो खेल रहा था। अच्छा देखो तो जरा। ये तूने कुछ खाया है क्या? नहीं मम्मी मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये क्या लगा हुआ है? अरे कुछ नहीं, तेरे मुंह से भी कुछ अच्छी सी एक सुगंध आ रही है। नहीं मम्मी ऐसा तो कुछ भी नहीं खाया मैंने, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मम्मी मैंने खाया। क्या?
मम्मी मैंने खाई आम की चटनी। चलो मेरे साथ रसोई में। अब वो धीरे धीरे रसोई में गया। पतीले और चम्मच पर ढेरों चींटियां, एक के बाद एक लाइन लगा के ढेरों चींटियां वहां पर लगी हुई हैं। मम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने आप सब कुछ ले लिया, चटनी भी खाई, चम्मच भी वही रख दिया, पतीली भी वही रख दी। आपकी सारी मेहनत बेकार कर दी मैंने। आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा चल, कुछ नहीं होता, आगे से ऐसा नहीं करना। मैं नहीं करूंगा। पर मम्मी एक बात बताओ, चटनी थी तो बहुत टेस्टी, इसीलिए तो चींटियां भी आ गई। हाँ सही कह रहे हो, और चटनी के चोर सिर्फ तुम नहीं, ये चींटियां भी हैं। चटनी चोर, चटपट चटनी की चोर। बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक मोटे राजा की और उसके एक पतले कुत्ते की। तो चलो कहानी सुनते हैं। एक था मोटा राजा, इतना मोटा कि उसे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। उसे अपना कुत्ता बहुत पसंद था, दुबला सा कुत्ता था उसका। वो रोज सुबह उसे सैर कराने जाता था। एक दिन की बात है, जब कुत्ते के साथ वो सैर करने निकला तो अचानक कुत्ता उससे आगे हो गया। और हुआ क्या कि वहाँ पर कुत्ते को एक चिड़िया दिखी। कुत्ता भौं भौं करते 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 उसके पीछे भाग पड़ा। चिड़िया ऊपर उड़ती गई और इसके पीछे पीछे भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, और चिड़िया तो ऊपर उड़ गई। और ये राजा उसके पीछे भाग रहा है, कुत्ते के पीछे। अरे 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 मेरा कुत्ता कहाँ भाग रहा है, 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 भाग रहा है। कितने दिन हो गए इसी तरह वो राजा भागते भागते। अरे अरे ये मेरा कुत्ता मिल गया, कुत्ता मिल गया। अरे ये राजा तो पतला ही हो गया। वाह कहानी खत्म। हेलो बच्चों, आज के स्टोरी टाइम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कहानी लाई हूँ उसमें जो किरदार है उसका नाम है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली एक बार अपने ससुराल गया। वहाँ उसकी जो सासू माँ थी उन्होंने उसको एक बहुत बढ़िया कुछ खिलाया। तो उसने पूछा, सासू माँ ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसका नाम है खिचड़ी। कहते अच्छा खिचड़ी, मैं अपनी पत्नी को जाकर बोलूँगा कि मुझे खिचड़ी पका के खिलाओ। अब वो चल तो पड़ा पर उसे डर था, क्योंकि वो भूल जाता था। उसे ये डर था कि कहीं मैं ये नाम ना भूल जाऊँ तो मैं बार बार इसको रिपीट कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया, रिपीट करना शुरू कर दिया, बार बार बोलना शुरू कर दिया, खिचड़ी 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 खिचड़ी। करते करते वो खेतों के बीच से निकल रहा था। जब निकल रहा था तो खिचड़ी खिचड़ी, आ उसके पैर में तो कुछ चुभ गया। अरे मैं क्या बोल रहा था, मैं तो भूल गया। याद आ रहा है, मैं बोल रहा था खाचीड़ी 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 खाचीड़ी। वो जा ही रहा था कि वहां पर किसान आ गया। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोला, तुम बता दो मुझे क्या बोला। तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर फसल उगा रखी है और तुम चिड़ियों को बुला रहे हो। तो मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो तुम बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, ये ठीक होगा,
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक होगा। अब वो बोलने लगा, उड़ चिड़ी 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 उड़ चिड़ी। वो अब आगे चला गया, वहाँ पर जंगल था, वहाँ पर शिकारियों ने वहाँ जाल बिछा रखा था और ये बोल रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। और तभी वहाँ पर शिकारी ने उसको दबोच लिया, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो बोल रहा हूँ उड़ चिड़ी। अच्छा तुम्हें पता है यहाँ पर क्या है? नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे बताओ मैं क्या, मेरे से क्या गलती हो गई, मुझे क्या बोलना चाहिए था? तुम्हें बोलना चाहिए था फस चिड़ी, उड़ चिड़ी बोल रहे हो तुम, उड़ चिड़ी बोलने से तो चिड़िया उड़ जाएगी, बोलो फस चिड़ी। फस चिड़ी, हाँ फस चिड़ी, फस चिड़ी 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 फस चिड़ी। बोलता वो आगे बढ़ रहा था, तभी वहां पर आ गए कुछ चोर। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे गलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे क्या बोलना चाहिए वहां बता दो। तुम्हें पता है हम चोर हैं और तुम बोल रहे हो फस चिड़ी, यानी कि तुम सबको बुला के बताना चाहते हो, हमें पकड़वाना चाहते हो? अभी रुको, ये हमारा ये हमारा ये आ, 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 ऐसे रोता हुआ वो घर आया तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, अरे ये क्या हाल बना रखा है, तुम्हारी तो खिचड़ी बन गई पूरी है। यही सब था, यही यही, अब मैं ये कभी नहीं खाऊंगा खिचड़ी, इसने मुझे बहुत मार खिलवाई है, मैं भूल जाता हूँ, मैं इसका नाम भूल गया, मुझे इतनी पिटाई पड़ी, अब मैं कभी खिचड़ी नहीं खाऊंगा, जा खिचड़ी जा। आशा है कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड पपेट्री डे है, इसलिए आपके लिए एक छोटी सी नन्ही सी नटखट सी चुलबुल सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पलक पिंकू और पिपली। तो सुने कहानी। चारों तरफ बादल घिर आए हैं और सूरज बादलों के पीछे छुप गया है, तेज घनघोर बारिश हो रही है और पिंकू, मेरे घर के आसपास तो पानी भर गया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं भी पूरी तरह भीग गया हूँ, मुझे ठंड भी लग रही है और भूख भी, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। उसकी रोना सुनकर वहाँ पर पलक आ जाती है। क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? मेरा ना घर समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ पानी भर गया है। अरे अरे रो मत, चलो मेरे साथ चलो, मैं पलक हूँ, मैं अपने घर तुम्हें ले चलती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। पलक ने उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया और वे घर आ गए। वहाँ पर पलक ने उसे खाने के लिए कुछ गाजरें दी और इसे ये गाजर खाना अच्छा लग रहा था। पलक ने उसे पूछा, उसका ध्यान रखा और धीरे धीरे पलक और पिंकू में दोस्ती हो गई। दोनों खूब खेलते, खूब मजे करते और हंसते रहते, सारा दिन घर के बाहर अंदर होते रहते। एक दिन की बात है, जब ये पिंकू बाहर खेल रहा था तो अचानक से पीछे से किसी ने उस पर आक्रमण कर दिया। कौन कौन? म्याओ म्याओ, अरे नहीं नहीं नहीं, भागो भागो भागो। वो घबरा कर घर के अंदर घुस गया। क्या बात है, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो पिंकू? पलक पलक, बाहर बाहर में ना एक ना बिल्ली मुझ पर झपटी थी, मुझे डर लग गया।
अरे अरे कुछ नहीं होगा, बी ब्रेव, कुछ नहीं होगा, चलो मैं देख के आती हूँ। वो दोनों बाहर गए पर वहां तो अब कोई नहीं था। फिर वो दोनों घर के अंदर आ गए। कुछ दिनों बाद फिर से पिंकू बाहर खेल रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा डर रहता था कि कहीं वो बिल्ली फिर से ना आ जाए। एक दिन की बात है, बिल्ली भी ताक मर बैठी थी और वो पलक के घर घुस आई। उसे पता था कि यहाँ पर पिंकू है। जब ये घुसी, हाँ यहाँ तो दूध की महक आ रही है, अभी पहले दूध पी लेती हूँ फिर पिंकू को पकड़ूंगी। वो रसोई की तरफ बढ़ चली। तभी पिंकू और पलक ने उसे देख लिया। पिंकू उसकी पॉकेट में बैठ गया और उन्होंने पीछे से उसे दबोच लिया। अरे मुझे छोड़ो, म्याओ म्याओ म्याओ, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे से गलती हो गई, अब मैं कभी नहीं आऊंगा इधर। मैं जब नहीं, ये मुझे हमेशा तंग करता है। नहीं नहीं, इसको नहीं छोड़ना। मैं कभी तंग नहीं करूंगा। मैं हूँ पिपलू, मैं कभी तंग नहीं करूंगा। तंग नहीं करोगे ना, तो ठीक है, आज से तुम फ्रेंड्स बनोगे, हमारे फ्रेंड। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। ठीक है, चलो तुम भी मेरे पॉकेट में बैठ जाओ। और वो भी पॉकेट में घुस गया। इस तरह से ये तीनों, पलक, पिपलू और पिंकू, फ्रेंड्स बन गए और मजे से रहने लगे, खेलने लगे। वन टू मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? और जो जो मैं बोलूंगी वो आप बोलेंगे, ठीक है? चले अनम्यूट कर सकते हैं पर शोर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? हाँ चलो, वन टू वन मेरे साथ बोलेंगे, वन जो मैं बोलूंगी वो बोलेंगे, वन। हाँ हाँ, आपने मेरे साथ बोलना, ठीक है? वन टू वन 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 टू 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 वन वन टू वन टू वन टू वन टू। ओके वेरी गुड। तो अब ये मुझे पता लग गया है कि आप सब मेरी बात आराम से सुन रहे हैं। तो हम अब एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और वो एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी है, तो मुझे लगता है आपको पसंद आएगी, ठीक है? तो मुझे बताइएगा, रुद्र उस कहानी में आप जैसा ही एक बच्चा है और उसका नाम है निक्का। अब ये बच्चा जो है, ये एक पंजाबी बच्चा है, पंजाब का रहने वाला बच्चा है। तो पंजाब में निक्का, बेटा अब माइक्स ऑफ कर देंगे जरा, क्योंकि आपकी ना वो माइक से यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, म्यूट कर दीजिए और सिर्फ कहानी का आनंद लेंगे, ठीक है? तो क्या हुआ, तो जो निक्का होता है, निक्का मतलब छोटा बच्चा, तो पंजाब में प्यार से बच्चे को अरे निक्के इत्थे आ, पंजाब में ऐसा बोलते हैं, निक्के इत्थे आ मतलब छोटा बच्चा इधर आओ, तो उसका नाम ही निक्का है। और प्यार से सब उसको निक्का निक्का करते हैं। निक्के निक्का को ना किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, तो वो क्या है, वो किताबें पढ़ता रहता है। एक दिन क्या हुआ, वो नंदन पढ़ रहा था। नंदन आपको पता है ना, मैगजीन होती है हिंदी की, तो वो नंदन पढ़ रहा था और ऐसे पढ़ता है, और आप लोग भी ज़रूर पढ़ते होंगे मुझे पता है। तो क्या हुआ, वो नंदन पढ़ रहा था, उसकी निगाह एक फोटो पे चली गई और फोटो में, ओ मम्मी, अरे की होया निक्का, क्या बात है? अरे मम्मी देखो, मुझे ऐसा टोपी चाहिए, ऐसी टोपी बना दोगे? दिखा दिखा दिखा, कैसी टोपी चाहिए तुझे? ऐसी, हाँ हाँ मैं बना दूंगी, उसमें पॉम पॉम जैसा लगा होगा। ठीक है, मैं तेरे को चार फुंदनों वाली टोपी बना दूंगी,
ऐसी ही ला मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं स्कूल जाऊंगा और सब लोग मेरे को बोलेंगे इतना अच्छी टोपी पहने, आप बना दोगे? हाँ हाँ मैं बिल्कुल बना दूंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर उसकी मम्मी ने टोपी बनानी शुरू की। और फिर संडे के दिन शाम होते होते सुंदर सी टोपी तैयार हो गई। और वो टोपी थी ऐसी टोपी जिसमें ये चार फुंदने लगे हुए थे, ये हरा पीला और ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंजिश है और साथ में ये ब्लू, तो चार तरह के इसमें फुंदने मने पॉम पॉम होते। निक्का तो पहन के तो बस बहुत खुश हो गया, मुझे कितना अच्छा लग रहा है मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो मुझे बहुत खुश होके बोलेंगे तू तो अच्छा सा टॉपी पहन के आया। हाँ तो वो बहुत खुश था। और आप लोग भी जब स्कूल अब जैसे खुलेंगे और जब आप जाते हो, आपको लगता है ना मैं ऐसी चीज़ पहन के जा रहा हूँ, अपना बैग अच्छा लेके जा रहा हूँ या मैं पेंसिल बॉक्स अच्छा लेके जा रहा हूँ, तो सभी पूछते हैं कि भैया ये कैसा है, बहुत अच्छा है। तो इससे क्या किया, इसने ऐसे वो टोपी पहन ली और चला गया वो स्कूल। जब स्कूल गया तो उसने सोचा सब आएंगे मेरे पास, सारे बच्चे उसको ऐसे देख रहे थे। और कुछ शरारती बच्चे थे वो उसके साथ थे और उसके आसपास घूमने लगे। निक्का निक्का की टोपी तो देखो, उसको बड़ा अजीब लगा, ये लोग तो टोपी के बारे में अजीब सा बोल रहे हैं। अरे सचमुच अजीब। निक्का तो परेशान, सारे बच्चे उसके आसपास घूम रहे हैं और बोल रहे हैं निक्का की टोपी बिल्कुल अजीब, सचमुच अजीब, सचमुच अजीब। निक्का बड़ा परेशान, उसने टोपी उतार के अपनी जेब में रख ली और आके मम्मी को क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तो मैंने टोपी बनाई थी, तुम तो खुश खुश गए थे, क्या हुआ? मम्मी सब बच्चे मुझे छेड़ रहे हैं। क्यों, क्या बोला उन्होंने? सबने बोला चार फुंदनों वाली टोपी, चार फुंदनों वाली टोपी, मुझे नहीं पहननी ये टोपी, आप एक काम करो एक फुंदना इसका उतार दो। मेरे बच्चे किसी की बातों में थोड़ी आते हैं, ऐसे नहीं करते। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, सब मुझे छेड़ते हैं, ये चार फुंदनों वाली एक फुंदना कम कर दो। तो उसकी मम्मी ने बोला चलो ठीक है मैं एक कम कर दूंगी, फिर आगे और नहीं करूंगी। हाँ हाँ एक कर दो। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, एक फुंदना उसका उतार के रख दिया। अब हो गए तीन। अब निक्का बड़ा खुश कि अगले दिन जाऊंगा, मेरे फ्रेंड्स तो बहुत खुश हो जाएंगे। और फिर वो अगले दिन बहुत खुशी खुशी स्कूल गया। और जब स्कूल जा रहा था तो सारे बच्चे आ गए और फिर से उसको बोले लगे, गोल गोल घूमने लग गए इसके आसपास और हंसने लग गए। निक्का ने कैसी टोपी पहनी है, बिल्कुल अजीब, सचमुच अजीब। निक्का की टोपी देखो, निक्का की टोपी देखो, बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल अजीब है, सचमुच अजीब है। मुझे क्यों तंग करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर आ गया घर रोते हुए। मम्मी ने बोला क्या हो गया तुम्हें, मुझे नहीं पहननी ये टोपी, आपने ये पुंदरे बना दिए, सब छेड़ते हैं, तीन पुंदरे वाली टोपी कहते हैं, आप एक काम करो इसका एक और फुंदना उतार दो। पर
पर बेटा बात मानो, किसी की बात में नहीं आते। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, आप प्लीज प्लीज इसको उतार दो। ठीक है, मम्मी ने कोशिश की बड़ी मुश्किल से, एक और फुंदना इसका उतार दिया। अब तो मम्मी अब ये ठीक हो गया, अब इसके दो फुंदने रह गए, अब ये ठीक है, अब मैं कल ठीक से जाऊंगा, अब नहीं बच्चे मुझे छेड़ेंगे। और उसके बाद फिर से अगले दिन ये गया, खूब खुशी खुशी गया, और वहां पर बच्चों ने देखा इसने तो दो फुंदनों वाली टोपी पहनी है, और बोलने लगे दो फुंदनों वाली टोपी, दो फुंदनों वाली टोपी, आए हाय कितनी अजीब है, सचमुच अजीब है, छी ये कैसी लग रही है। इतने मन से मैंने बनवाई और सब मुझे ऐसा बोल रहे फिर रोते हुए घर आ गया। मम्मी ने बोला अब क्या हुआ। मम्मी नहीं चलेगा, सिर्फ सिर्फ एक ही रखवाओ, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा। तो मम्मी ने क्या किया, एक और उतार दी। अब ये सोचा अरे अब तो वाकई मेरी टोपी शानदार लग रही है, अब बच्चे तो बहुत प्यार से देखेंगे इसको, सब प्रेज करेंगे इसकी। And he wore it very nicely and majestically. He went to the school and he was thinking everyone will be praising him. सब खुश होके उसकी तारीफ करेंगे। और जैसे ही ये स्कूल में एंटर हुआ, सारे बच्चे फिर से इसको छेड़ने लगे। हो एक फुन्ने वाली टोपी, एक फुन्ने वाली टोपी, निक्के ने पहनी रे एक फुन्ने वाली टोपी, बिल्कुल अजीब, सचमुच अजीब, छी छी, एक फुन्ने वाली टोपी, एक फुन्ने वाली टोपी। मम्मी मुझे नहीं पहनना ये, आप एक काम करो ये भी उतार दो। अब ये बिना फुंदने की हो गई। अब उसके बाद जब ये स्कूल गया, इसने सोचा अब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब तो मैंने इनके जैसा काम कर लिया। अब ये जब गया तो सब हंसने लगे। बिना फुंदने वाली टोपी, बिना फुंदने वाली टोपी, बिल्कुल अजीब, सचमुच अजीब, अरे निक्के की टोपी बिल्कुल अजीब, निक्के की टोपी सचमुच अजीब। मैं इनकी बात भी मान ले रहा था, तो भी ये लोग क्या किए, सब मुझे तंग कर रहे। मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये मैं सारे फुंदने मैंने उतार दिए फिर भी इन लोग को पसंद नहीं आ रहा, क्या हो गया। अरे बेटा मैंने तुमको पहले ही कहा था, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अगर ध्यान दोगे तो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तुम खुश हो कि नहीं वो देखो, जाओ छेड़ते हैं तुम उनके छेड़ने पर मत जाना, तुम अपना काम करते रहना। इसकी मम्मी ने जब समझाया तो इसको समझ आ गई। अब इसने बोला मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपनी बात ही रखूंगा। अब जब ये पहन के गया तो सबने बोला बिना फुंदने वाली टोपी, अजीब अजीब सी टोपी पहनी, सचमुच अजीब, बिल्कुल अजीब। पर हमारा जो निक्का था अब वो बहुत स्ट्रांग हो गया था, उसने इसकी बात नहीं सुनी, उसकी बात नहीं सुनी, ऐसे कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसको लगा एक दिन दो दिन तीन दिन सबने छेड़ा, चौथे दिन से छेड़ना ही बंद कर दिया। अब ये सूल रोज ये पहन के जाता है लेकिन कोई छेड़ता नहीं है क्योंकि ये नहीं छेड़ता। तो उसने अपने आप को स्ट्रांग बनाया और उसके बाद इसने किसी की बात करनी सोचनी बंद कर दी। फिर मम्मी को बोला मम्मी आपने जो आइडिया दिया था ना बिल्कुल सही दिया था, अब मैं किसी की बात सुनता ही नहीं, उन्होंने छेड़ना ही बंद कर दिया। तो मम्मी ने कहा देखा इसे कहते हैं
लाइफ स्किल, अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को स्ट्रांग रखो, दुनिया को बोलने दो जो बोलते हो आप, अगर अपने आप को ठीक लगते हो आप वही काम करो, और उसके बाद बस निक्का तो एक स्ट्रांग बॉय बन गया, लेकिन कभी कभी उसको अपने उन फुंदनों की याद आती थी। मेरे इतने सुंदर सुंदर फुंदने थे और मैंने दूसरों की बातों में आके बेकार ही अपने फुंदनों को खराब किया। अब मैं किसी की बात नहीं सुना करूँगा, किसी की बातों में नहीं आऊँगा, और इस तरह से हमारा निक्का एक स्ट्रॉन्ग निक्का बन गया। तो बेटा बच्चों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो बनाए क्लैपिंग करेंगे। नमस्कार, आज मातृदिवस है यानी कि मदर्स डे, इसी उपलक्ष्य पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारी। हर्ष कक्षा 3 में पढ़ता है, उसका एक छोटा भाई है 6 महीने का। उसे अपने भाई के साथ खेलना बहुत पसंद है, दोनों में बहुत प्यार है। एक दिन हर्ष की मम्मी ने कहा, हर्ष बेटा, अर्श सो रहा है और मुझे बाजार में कुछ काम है, आधे घंटे के लिए ज़रा उसका ध्यान रखोगे? मैं अभी गई और अभी आई। हर्ष ने माँ की तरफ देखा, बोला, ठीक है माँ, आप जाओ, मैं संभाल लूँगा। अर्श तो सो रहा था, हर्ष उसके पास ही बैठ गया और अपनी किताब पढ़ने लगा। तभी थोड़ी देर में उसे अर्श के हिलने की थोड़ी आवाज़ आई। उसने देखा, अरे ये तो रो रहा है, क्या कर रहा है? फिर अर्श चुप हो गया। फिर थोड़ा उसने देखा, अरे नहीं, ये तो रो रहा है, कुल बुला रहा है। उसने अर्श को उठाया और अपने पास ऐसे देखा। वो चुप हो जा, चुप हो जा, पर अर्श था कि रोए चला जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ, अभी देखता हूँ। अरे इसकी तो लंगोटी गीली हो गई है, अच्छा इसे बदलता हूँ। उसने उसको वहाँ रखा और उसकी लंगोटी बदलने लगा। फिर उसके बाद उसको उठा लिया, पर हर्ष था कि अभी भी चुप नहीं हो रहा। ओ, 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 अरे भाई हर्ष चुप हो जा, अच्छा मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। उसके लिए पानी लेके आया, उसको पानी पिलाने लो। चुप हो जा, चुप हो जा, पर हर्ष पानी नहीं पिया, हटा दिया। अच्छा फिर वो उसके लिए चुप हो जा, अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा, अर्श फिर भी चुप नहीं हो रहा था। ओ, 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 अच्छा ये देख, ये देख, ये देख क्या, ये देख, ये देख, ये देख, ए, ओ, ओ, ये देख, अर्श, ओ, 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 अच्छा अच्छा ये देख, ये 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 एक किताब देख, पता नहीं क्या हो गया, अर्श तो रो ही जा रहा है, क्या होगा? अच्छा मैं सोचता हूँ, हाँ एक काम करता हूँ। उसने फटाफट कंप्यूटर चलाया और उसमें एक चीज दिखाई। ये देख अर्श, ये देख, ये देख, ये देख अर्श, ये देख। अरे अर्श तो चुप हो गया। जानते ये फोटो किसकी है? ये इसकी मम्मी की तस्वीर है, और अर्श उसे देख के चुप हो गया। तभी घंटी बजी और उसने अर्श को वहां रखा और दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोला तो मम्मी खड़ी थी। मम्मी ने कहा, और अर्श ने तंग तो नहीं किया तुम्हें? हर्ष ने मम्मी की तरफ देखा और बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं कथाकार उषा छाबड़ा दिल्ली से। मैं आज आपको असम की एक लोक कथा सुनाने आई हूँ। असल में मैं पंजाबी हूँ और असम में 5 वर्षों तक रही हूँ। असम मेरे मन में रच बसा गया है, तो जब यहाँ पर आंचलिक कहानी कहने की बात हुई तो मैंने सोचा क्यों ना असम की बात करूँ। असम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य असम है। बहुत ही खूबसूरत, उसकी झील, उसकी नदियाँ, उसके झरने, उसकी पहाड़ियाँ, उसके जंगल इतनी खूबसूरत हैं
कि देखते ही बनती हैं। तो मैंने सोचा आपको एक अच्छी सी, एक प्यारी सी एक लोक कथा सुनाऊं। जानते हैं ये मोर को पंख कैसे मिले? जानते हैं कि ये मोर बना कैसे? बहुत 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 पुरानी बात है। एक गांव था, उस गांव में गनेरू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि वहां का मुखिया था। और ये मुखिया था एक गारो नामक जनजाति का। गारो जनजाति की खासियत है कि वहाँ मातृवंशीय परंपरा चलती है, वहाँ लड़कियों को उच्च दर्जा दिया जाता है। तो उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था जयमाला। जयमाला बहुत ही खूबसूरत थी और वो नृत्य बहुत सुंदर करती थी। जब वो नृत्य करती तो ऐसा लगता कि धरती मानो झूम उठी है। तो एक बार गनेरू ने क्या किया, वहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी। दूर दूर से बहुत से लोग उस नृत्य प्रतियोगिता में आए, तो जयमाल भी वहाँ पर नृत्य कर रही थी। और वहाँ पर एक लड़का आया, वो भी बहुत ही सुंदर नृत्य कर रहा था। उन दोनों के नृत्य को देखकर सब झूम उठे, सब वाह वाह कर सके और उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली कि ये कैसा नृत्य हो रहा है। पुरस्कार देने की जब बात आई तो दोनों को ही पुरस्कार दिया गया और दोनों की ही आंखें चार हुई, उनमें आपस में प्रेम हो गया। उस लड़के ने जयमाला के सामने प्रस्ताव रखा तो जयमाला हंस पड़ी और उसने अपने पिताजी को जाके ये बात बताई। उसके माता पिता ये बात सुनकर खुश हुए कि उनकी लड़की ने एक नर्तक को चुना। वे बेहद खुश थे। शादी का दिन आ गया। जिस दिन शादी थी उस दिन उसकी माँ उसके लिए एक चुन्नी लेके आई। चुन्नी देखते ही जयमाला तो खुश हो गई। इतनी सुंदर चुन्नी उसने आज तक नहीं देखी थी। इसमें तो हरे नीले बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे हुए थे और वो बहुत ही खुश थी। वो छूने लगी तो माँ ने कहा, नहीं रुको, इसे मत छूना। ऐसे ये एक जादुई चुन्नी है जो मेरी परनानी ने दी है। तो उसने कहा अच्छा। तभी उसकी माँ ने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद उसने कहा, ये लो चुन्नी, अब हमेशा जब भी ये चुन्नी पहनोगी तो हमेशा क्या करना, हमेशा मंत्र पढ़ना और उसके बाद ही चुन्नी पहनना। जयमाल खुश थी। उस चुन्नी को पाकर वो वाकई झूम उठी और उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसके माता पिता बूढ़े हुए और एक दिन चल बसे। एक दिन जयमाला की इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गए हैं हमने मछली नहीं बनाई। तो उसने कहा अपने पति से कि मैं हिलसा मछली लेने जा रही हूँ, मेरा आज बहुत मन है कि मैं सुंदर सी एक बहुत ही प्यारी मछली बनाऊँ, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके पति ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं बाकी घर का काम संभाल लेता हूँ। और वो चल पड़ी। जैसे वो घर से निकलने लगी उसने देखा कि रस्सी पर उसकी चुन्नी टंगी हुई है। तो उसने चलते चलते कहा, सुनो मैं जा रही हूँ पर जो भी हो मेरी चुन्नी को हाथ मत लगाना, ठीक है? तो उसके पति ने कहा, हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, तुम जाओ मैं संभाल लूँगा। अब वो चली जाती है। वो जब चली गई तो धीरे धीरे बादल घने होने लगे, काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो उसके पति ने बाहर झांक कर देखा, अरे ओहो उसकी चुन्नी लटक रही है, चुन्नी तो इतनी खूबसूरत है। उसने क्या किया, जाकर उस चुन्नी को हाथ लगा लिया। जैसे ही हाथ लगाया उसका पूरा शरीर, वो चुन्नी पूरी तरह उसके शरीर से लिपट गई और उसका शरीर पूरा पंखों में बदल गया। अरे वो तो मोर में परिवर्तित होने लगा। और वहाँ पर जयमाला जब वापस आ रही थी उसे बादलों की गड़गड़ाहट सुनी और उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश होने लगे। और वो जब तेजी से अपने घर की ओर दौड़ी तो उसने देखा, दरवाज़ा खोला और देखा कि जो उसका पति है वो तो
कैसे बदल रहा है और चुन्नी उसके पूरे शरीर में लिपटी हुई है और खूब तेज रोने लगी और वो ये भूल गई कि उसके माँ ने मना किया है कि चुन्नी को ऐसे मत छूना। उसने बिना मंत्र पढ़े उस चुन्नी को हाथ लगा दिया और वो चुन्नी को खींचने लगी। नहीं 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 नहीं, लेकिन उतनी ही देर में जब उसने उस चुन्नी को छुआ वो भी उसका शरीर भी परिवर्तित होने लगा। उसके हाथ चुन्नी का थोड़ा ही हिस्सा आया था और वो धीरे धीरे मोरनी में परिवर्तित हो गई। दोनों धीरे धीरे मोर और मोरनी बन गए और फिर वहाँ से उड़ गए। और जब भी कभी ऐसा मौसम हो जब बादल छाए हों और बारिश हो रही हो, आप देखेंगे कि मोर और मोरनी सुंदर से नृत्य कर रहे हैं, अपने पंखों को दिखा रहे हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जयमाला और उसके पति हैं। जो उसका पति था वो बना मोर, क्योंकि उसके हिस्से आई ज़्यादा चुन्नी, सुंदर रंग, सुंदर सब चीज़ें। और जो मोरनी बनी वो थी जयमाला, उसके हिस्से आई बहुत ही कम पंख और बहुत ही कम चुन्नी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।